ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಿದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ರೇಮಕನ್ ಸಾಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನನಗೆ ನಗರಸಭೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆಜ್ ಹಮಾರೆ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಚಾಹತೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹಬ್ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಹಬ್ ಆಜ್ ಛೋಟೆ ಸೆ ಛೋಟೆ कार्यकर्ता को पहचान के आज नॉमिनेट बनाए हम हमारे दोनों मिनिस्टर को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पांच लोगों को नॉमिनेट बनाया है बीदर में पांचों मेंबर्स को अपने अपने कम्युनिटी के अंदर चुन के बनाया सो है इसमें किसी का भी अपोजिशन वैसा कुछ भी नहीं है इधर हमारे भाई को सूर्यकांत सादरे को हम म्युनिसिपैलिटी मेंबर हमारे रहीम खान साहब तहे दिल से बनाए हैं हम रहीम खान साहब को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं इसी तरह आगे भी हमारे दलित समाज को कांग्रेस में हम इलेक्शन के टाइम पे भी बोले थे आपके न्यूज चैनल में कांग्रेस के साथ दलित समाज पीछे भी था आज भी है और कल भी रहेगा क्यों बोले तो कहाँ तो डेवलपमेंट और कहाँ भी सेक्युलरिज्म के बात आया हो तो वो कांग्रेस के अंदर ही आता है दूसरे पार्टी के अंदर नाम के लिए बोलते हैं और उन लोग हमारे को कहाँ रखने का वहाँ रखते हैं हमारे को कहाँ तो स्थान मान कहाँ मिलता है बोले तो हमारे को कांग्रेस में ही मिलता है दलित समाज आगे के टाइम पे एमपी इलेक्शन के टाइम पे और इससे भी ज़्यादा जुड़ के हम इस बार पार्लियामेंट में हम बड़ा सा बड़ा मेजॉरिटी लेके आके कांग्रेस का झंडा हम पार्लियामेंट में लगाएंगे पार्लियामेंट का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पार्लियामेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेजॉरिटी कांग्रेस दे के आज हम पार्लियामेंट में इस मोदी झूठे सरकार को जड़ से निकाल के फेंकते बोलकर हम आश्वासन करते हैं क्यों बोले तो हम लोगों को कहाँ भी देखो मुस्लिम भाई रहने दो हमारे दूसरे रहने दो एनआरसी एसआरसी और ये अट्रॉसिटी हर जगह दलित बांधव और हमारे माइनॉरिटी लोगों को और ये हमारे बैकवर्ड लोगों को ये बीजेपी सरकार से सिर्फ नुकसान होते आया है और इस बीजेपी सरकार को हम ऐसा नहीं छोड़ते इस बीजेपी सरकार को हम जड़ से निकाल के फेंकते इस पार्लियामेंट में बोलकर हम ये वादा करते हैं और हम आज के डेट पे जो भी हुआ है हमारे भाई लोगों को पांच लोगों को नगरसभा मेंबर बनाए हैं हम सभी को हम उनको कंग्रेचुलेशन करते हैं और हमारे स्पेशली हमारे रहीम खान साहब को हम तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे समाज की तरफ से थैंक यू धन्यवाद मैं विनोद कुमार आप पे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ डीसीसी कांग्रेस बीदर।